रविंद्र भाटी के एक बयान ने बीजेपी को राहत दी है, क्योंकि हार कर जीतने वाले को सियासत में बाजीगर नहीं बीजेपी कहते हैं। तभी तो अगर बीजेपी बाड़मेर हार भी जाती है तो फिर उनके साथ रविंद्र सिंह भाटी रहेगा, और क्या पता स्थिति ऐसी हो जाए कि रविंद्र सिंह भाटी को मंत्री बनाना पड़ जाए, क्योंकि बीजेपी को लेकर जो आकलन लगाया जा रहा है उसमें राजस्थान के साथ उत्तर भारत में भी बीजेपी की सीटें काफी ज्यादा घट रही है। ऐसे में निर्दलियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहेगी। रविंद्र सिंह भाटी ने दरअसल देवी सिंह भाटी से मुलाकात की, माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बड़े सियासी मायने हैं। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि ये मुलाकात सामान्य थी और देवी सिंह भाटी का हाल जानने के लिए वो उनसे मिलने पहुंचे थे। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा, वैचारिक रूप से साथ हूँ था, आगे भी बीजेपी के साथ ही रहूँगा। जनता की मांग पर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। अभी लोकसभा चुनाव जनता के आदेश की पालना कर मैंने चुनाव लड़ा। देश की बड़ी पंचायत में इनकी बात मजबूती से रखूंगा। बीजेपी में शामिल होने का फैसला बाड़मेर बालोतरा की जनता लेगी। बाड़मेर जैसलमेर में बीजेपी कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। रिफाइनरी में बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के युवाओं को मौका मिलेगा। शिव में उपचुनाव को लेकर कहा कि शिव की जनता तय करेगी, वही चुनाव लड़ेगा। भाटी ने कहा कि 4 जून को बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता इतिहास लिखने वाली है। सोशल मीडिया पर लगातार धमकियों को लेकर भाटी ने कहा, जो लोग सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं आप उन्हें नकारे, उन्हें पलट कर जवाब दे। सोशल मीडिया का पॉजिटिव काम में ले, नेगेटिव चीजों को रोका जाए। अब इन बयानों के मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि रविंद्र भाटी न सिर्फ चुनाव से पहले बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिले थे बल्कि दिल्ली भी मिलकर आए थे। तो क्या बीजेपी से हरी झंडी मिलने के बाद ही रविंद्र भाटी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता तो है।